अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुनिया की सैर। आज हम आपको करवाते हैं अपने एक्सीवेटर मशीन की सैर करवाते हैं। आपको अपने मशीन एक्सीवेटर के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे कि ये काम कहां पर करते हैं और किस जगह पर ये काम करते हैं। तो हम पहुंच गए अपने एक्सीवेटर मशीन और ये काम करते हैं पुल 88 ज़िला कोटादो में। ये हमारे एक्सीवेटर मशीन है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे एक्सीवेटर मशीन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मुख्तलिफ मकानात की सैर कराऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और मुख्तलिफ मकानात की सैर कराऊंगा। तो इस चैनल में आपके लिए मुख्तलिफ मकानात की सैर कराऊंगा इंशाल्लाह। आपकी एक क्लिक से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। हम रवाना हो गए और साथ ही बहुत खूबसूरत नहर है, ये नहर सीमेंट से बना हुआ है और साथ ही बहुत खूबसूरत दरख्त है इन नहर के दोनों साइड पे, बहुत खूबसूरत प्यारा मंज़र। ये है हमारा एक्सीवेटर मशीन DX डोसान 140 नंबर। ये 2008 मॉडल मशीन है और ये कोरिया का है। ये पहले बहुत तकरीबन सस्ते मिलते थे, 1 करोड़ के आसपास। अब इतनी महंगाई की वजह से ये भी बहुत महंगे हो गए हैं। अब इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के आसपास या इससे भी ऊपर है। ये अपना सिटिंग कर रहा है और मेजरमेंट, अपना जो मेजरमेंट होता है वज़न के मुताबिक, ये इसने ब्लेड नीचे कर दिया और ये पॉकेट फुल कर रहा है ट्राली के इंतज़ार में। और ये देखने से पॉकेट फुल कर दिया और ये ट्राली आ गया और इस ट्राली को फुल कर रहा है। ये पहला पॉकेट उसका डाल दिया ट्राली में। ये जो एक्सीवेटर मशीन का पॉकेट आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे भाई ने इसके ऊपर प्लेटें दोनों तरफ से वेल्डिंग करा दी है। महंगाई की वजह से इन्होंने ये वेल्डिंग करा दी है ताकि डीजल का एवरेज परसेंटेज कम हो और ऊपर से ट्राली में ये पॉकेट कम आ जाए। मिसाल पहले 8 थे, अब ये 6 डालेंगे क्योंकि ऊपर से प्लेट जो वेल्डिंग करा दी है पॉकेट में। ये आप देख लें जो हमारा जो पॉकेट है मशीन का। तो महंगाई इतनी है कि हर जगह हर मसला हर चीज़ के बारे में सोचना होगा, फिर ये जाके कंट्रोल होती है। लेकिन आजकल डीजल इतना महंगा हो गया कि कुछ बचता भी नहीं है। तो इन्होंने फिर ये काम कर दिया मेरे भाई ने कि ये इसके वेल्डिंग करा दिया ताकि एवरेज परसेंटेज कम हो, मशीन का भी कम हो और ऊपर से पॉकेट भी ट्राली में कम डालें। ये ट्राली लोड हो रही है, उधर से फुल स्पीड में ट्रैक्टर आ रहा है। कितने फुल स्पीड से, ये देख लें। डोसान पॉकेट फुल भर गया है, ट्राली में डाल रहे हैं। एक मशीन के साथ दो ट्रैक्टर है। यहाँ पर ये ट्राली खाली हो रही है और ट्रैक्टर ट्राली जेक उठा रहा है। यहाँ पर ये मिट्टी खाली करते हैं, साफ फासला बहुत नज़दीक है, ये जेक ट्राली उठा रहा है। ये दोनों ट्रैक्टर साथ खड़े हैं और मशीन एक्सीवेटर दोनों ट्राली को लोड कर रहा है और ये ट्रैक्टर आगे की तरफ चला गया। ड्राइवर ने इशारा किया कि ट्राली को थोड़ा पीछे करें। इसके भी अपनी सेटिंग होती है, जो एक्सीवेटर का जो एवरेज होता है ना पीछे रुकने के लिए। अब पॉकेट खाली कर दिए, ये आप देख सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से मेरे रिक्वेस्ट होती है, पहले मैं बता चुका हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर ट्राली खाली खाली कर दिए, ये ट्राली खाली कर दिया, दूसरी ट्राली भी खाली हो रही है, ये देख लें, ये ट्राली भी खाली हो रही है।
और जा रही है अपने मशीन की तरफ से। ये सामने मुंशी खड़ा है जो पर्ची देने वाला है, हर चक्कर को ये पर्ची देता है। शाम को फिर ये काउंट करते हैं। कितना प्यारा मंजर है, खूबसूरत नज़ारा है। ये मशीन दोनों खड़े हैं, दोनों ट्रैक्टर के साथ मशीन खड़ा है। यहाँ पर लोडिंग फिर स्टार्ट किया थे। ट्राली के लोडिंग को देखकर आपको काम और भी मिल जाते हैं। अगर आपका काम अच्छा हो या काम अच्छे करते हो या आपका काम अच्छे तरीके से करते हो तो आपको काम मिल जाते हैं। एक्सीवेटर मशीन ने ट्राली को लोड करके ये ट्रैक्टर जा रहा है, लोड होके जा रहा है। ये दूसरा ट्रैक्टर है, बेक जा रहा है मशीन की तरफ से, ये भी ट्राली को लोड कर रहा है। ये मेरे भाई बैठे, ये मेरा मोटरसाइकिल है और ये चाय की तरमोज है। चाय के बगैर तो काम होता भी नहीं है। वैसे भी ड्राइवर रात चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। ये डीजल डाल रहे हैं ट्रैक्टर में। इतने एक्सपीरियंस है कि बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी तेल दाने के ये डीजल डाल रहे हैं। देखना कितने एक्सपीरियंस ड्राइवर है, दोनों डाल रहे हैं। और ये मशीन को भी डाल रहा है, एक्सीवेटर मशीन को डीजल। देख रहे हिला रहा है गैलन को, देख रहा है कि इसमें कुछ बचा तो नहीं है। ये डीजल, आजकल डीजल भी नहीं मिलता है, ब्लैक मिल रहा है। इतना महंगा हो गया कि कुछ गुजारा भी नहीं होता है। ये कमर हाल काम तो करना है। वो ट्रैक्टर लोड होके जा रहा है, रेस लगा दिया ड्राइवर ने, फुल स्पीड के साथ जा रहा है। ये अभी देख ले। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।